हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो मेरा नाम है सैफ अली और आप सभी का वेलकम है सैफ अली द व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ नैनीताल में और अभी चल रहा है यहाँ पर मॉनसून सीज़न। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि मॉनसून सीज़न के टाइम में यहाँ आना सेफ है या नहीं है, वर्थ इट है या नहीं है। इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड का गहना नैनीताल को अक्सर झीलों की रानी कहा जाता है। नैनीताल और उसके आसपास 7 झीलें पाई जाती हैं, जो दूर दूर से यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह उन हिल स्टेशनों में से एक है जहां कोई भी साल भर जा सकता है, लेकिन मॉनसून में नैनीताल और भी अधिक खूबसूरत हो जाता है। बारिश बाधा नहीं डालती बल्कि पहाड़ों की सुंदरता बढ़ा देती है। बरसात के मौसम में बारिश के कारण नैनीताल में पेड़ हरे, पहाड़ ऊंचे और आसमान अधिक आकर्षित दिखता है। फ्रेंड्स, अभी हैं हमारे साथ कुछ लोकल लोग जो आपको यहाँ के बारे में बताएंगे कि मॉनसून सीजन में आना यहाँ पे बेस्ट रहता है नहीं रहता, या कुछ खतरा रहता है नहीं रहता। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम ललित जोशी है। तो ललित जोशी जी, अगर यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं मॉनसून में, तो क्या उनके लिए कोई खतरा वतरा है? नहीं, ऐसा खतरा तो नहीं है सर। अगर ऐसा कुछ ज्यादा अगर इधर बारिश वगैरह हो जाती है तो न्यूज़ के जरिए पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। हाँ। कि इस दिन ऐसा रहेगा यहाँ पर करके। तो वैसे नैनीताल की हिस्ट्री में है कोई अभी ऐसा कि मतलब वहाँ बाढ़ आ गई हो, लोग फंस गए? ऐसा बहुत पहले हुआ था, 1841 में हुआ था, बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत लोग गए थे उसमें। तो उसके बाद अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते में जो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज हो जाती है तो प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद रहता है, जगह जगह मशीनें लगी हुई है तो तुरंत क्लियर कर दिया जाता है। तो टूरिस्ट आ रहे हैं तो एकदम सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है, ऐसा कोई बड़ी डर वाली कोई। तो मॉनसून में मतलब जो मॉनसून का जो पीक मॉनसून होता है वो कब होता है? वो हमारा 15 जून के बाद स्टार्ट हो जाता है, करीब 15 सितंबर तक। अच्छा, 15 सितंबर तक। तो अभी जैसे अगस्त का महीना चल रहा है तो अभी लोग आते हैं तो एकदम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है ना, कोई इशू नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही बता रहे हैं कि अगर आप मॉनसून में भी आ रहे हो तो आपके लिए एक बेस्ट ही रहेगा, बेस्ट ऑप्शन ही रहेगा घूमने के लिए, कोई आप फंसोगे नहीं यहाँ पे, है ना। और बोटिंग वोटिंग भी सब पूरे अच्छे से कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद बताने के लिए। ये पूरी टीम है जो यूपी से आई हुई है, फुल एंजॉय मॉनसून सीजन में मचाएंगे। भाई कहाँ से आए हो? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से मजा आ रहा है? भाई बहुत मजा आ रहा है। पहले भी आ चुके हो? भाई हमने अभी आज चौथा स्टेट है, इससे पहले मैं दिल्ली गया, गुजरात गया, लेकिन ये वंडरफुल प्लेस। रेनी सीजन में आके मजा आ रहा है? हाँ, अच्छा, तो मजा आ रहा है ना मॉनसून सीजन में नैनीताल आके? मॉनसून सीजन में नैनीताल आके मजा आ रहा है? बोटिंग वगैरह कर ली? कर ली बोटिंग? अच्छा, हो गई मजा आया बोटिंग करके? हम तो गुड़गांव से भाई। हाँ चलो मिलते हैं, करो एंजॉय करो एंजॉय। मॉनसून नैनीताल का ऑफ सीजन है, बट आप यहां पर वो सब कर सकते हो जो आप ऑन सीजन कर सकते हो, अब वो चाहे लोकल साइट सीन हो या बोटिंग। क्योंकि ये ऑफ सीजन है तो आपको स्कूटी, बाइक और होटल कम रेंट पर मिल जाएंगे। यहां पर कब बारिश होगी कब नहीं किसी को कुछ नहीं पता, तो आप जब भी बाहर निकले अम्ब्रेला लेकर ही निकले या रेनकोट लेकर निकले। और मॉनसून सीजन में मेरा यहां पर एकदम यूनिक एक्सपीरियंस था, तो मॉनसून सीजन में नैनीताल आना वर्थ इट भी है और सेफ भी।